हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 10, जिसका नाम है ईश वंदना। बच्चों, आज हम इस लेसन में ईश वंदना यानी कि भगवान की वंदना करेंगे। इस लेसन में एक पोयम दी गई है जो कि भगवान की वंदना है, ईश्वर की वंदना है, जिसको हम पढ़ेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने मतलब यहाँ पर जिसने जो संकेत किया गया है ये भगवान की तरफ किया गया है। जिसने सूरज और चांद को, चंद्रमा को बनाया है, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों में चमक दी है या तारों को चमकाया है, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों के अंदर महक दी है या फूलों को महकाया है, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया है, चहकाना सिखाया है, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा संसार बनाया, मतलब वह ईश्वर जिसने सारी दुनिया या फिर संसार को बनाया है। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, मतलब हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसका गुणगान करें जिसने इन सब मतलब जगत बनाया है, चिड़ियों को चहकाया है, फूलों को महकाया है, तारों को चमकाया है या फिर सूरज और चांद को बनाया है। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं, उसको प्रेम से शीश झुकाएं या फिर नमस्कार करें। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने ईश्वर की वंदना या फिर भगवान की प्रार्थना की। इस लेसन का हम बुक पार्ट करेंगे। ये जो लेसन है, पोयम है, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। ये इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे चांद, चंद्रमा। चांद का अर्थ चंद्रमा होता है, ईश्वर का अर्थ भगवान होता है, सूरज का अर्थ सूर्य होता है, महकाया मतलब सुगंधित करना, सुगंधित बनाना या फिर, जगत का अर्थ होता है संसार, शीश मतलब मस्तक, माथा झुकाना। अब इस लेसन में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये इधर सही शब्द मतलब एक इसमें से गलत है, एक सही है, तो सही शब्द को चुन करके हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे वर्षा हो रही है, तारे चमक रहे हैं, आओ गाना गाएं, भगवान सबका ध्यान रखता है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनको वाक्यों में प्रयोग किया गया है। जैसे आकाश, आकाश में अनेक तारे हैं, बादल, आकाश में काले काले बादल हैं, इस तरीके से इनको हमें वाक्य प्रयोग करना है। अब इनके आप उत्तर बताएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आप आंसर बताएंगे। जैसे चांद कब चमकता है, तो ये आप बता सकते हैं कि चांद कब चमकता है, तो बताइए, आप हमें कमेंट करके इनके आंसर बताएंगे। तारे कहाँ दिखाई देते हैं, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वर्षा कौन लाता है, इन सभी के आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।